पुण्यतिथि पर याद किए गए विनोद बिहारी महतो। अलग झारखंड राज्य आंदोलन का विगुल फूंकने वाले अग्रणी नेताओं में से एक विनोद बिहारी महतो की रविवार की पुण्यतिथि मनाई गई। रविवार को तोपचांची प्रखंड स्थित मांडा चौक में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। लोगों ने झारखंड निर्माण में उनके योगदान को याद किया। मौके पर उपस्थित जिला परिषद सदस्य विकास कुमार महतो ने कहा कि जिस झारखंड में हम सभी विचरण करते हैं, यह विनोद बाबू की परिकल्पना का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि विनोद बाबू के आदर्शों तथा उनके दिखाए मार्गों को आत्मसात करने की जरूरत है। साथ ही बताया गया कि झारखंड के शोषित दलित आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी और झारखंड अलग राज्य का गठन किया गया। विनोद बिहारी महतो ने झारखंड के लोगों को पढ़ो लड़ो और बढ़ो का नारा देते रहे, जिससे कि झारखंड के लोग जागरूक हों और भारत का अग्रणी राज्य बन सके। ये आप लोगों ने माल्यार्पण किया, नमन किया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, झारखंड के पितामह का दर्जा मिला है विनोद बाबू को, और आज जो झारखंड की पहचान है, झारखंडियों की पहचान है, तो उन्हीं के कारण से। उनके नाम से जितने कॉलेज, जितने विद्यालय, और हमारे लिए गर्व की बात है कि विश्वविद्यालय भी उन्हीं के नाम से। उनका एक स्लोगन था कि पढ़ो और लड़ो, तो सभी झारखंडी आज के डेट में पढ़ रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और झारखंड में जो झारखंडी कहलाने का हक और अधिकार मिला है, तो विनोद बाबू का ही देन है, चूँकि झारखंड आंदोलन के वो अग्रणी नेता थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे हैं। तो झारखंडियों में एक नया ऊर्जा, और झारखंडी भी अपना नाम देश विदेश में परचम फैला सकते हैं, तो इसमें विनोद बाबू का रोल है, और विनोद बाबू के ही सिखाए हुए आदर्शों पे हम लोग चलकर नए झारखंड को गठन करेंगे। तो उनको याद करना और उनके किए गए कार्यों को याद करना, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी समाज हमारा आगे बढ़ सकता है। विनोद बिहारी महतो जी का मानतार के आम बगान से काफ़ी गहरा नाता था। हाँ, चूँकि उनकी यह कर्मभूमि रही, गिरिडीह लोकसभा, वो रहने वाले जरूर बलियापुर के थे, उनकी जन्मभूमि बलियापुर हो सकती है, लेकिन कर्मभूमि कहीं ना कहीं ढूंढी है, क्योंकि वो गिरिडीह लोकसभा से ही हमेशा से चुनाव लड़ते रहे हैं और गिरिडीह लोकसभा के ही वो सांसद रहे हैं। तो इसलिए मांडाण की धरती से, चूँकि ये आंदोलन की धरती है, तो यहाँ से उनका नाता रहा है, और तमाम गिरिडीह लोकसभा के वासियों से उनका नाता रहा है, और सबके हक और अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो उनका जाहिर सा बात है, हम लोग भी ऋणी हैं, क्योंकि जो हमारा सुदूर क्षेत्र है, इस सुदूर क्षेत्र को चुनकर यहाँ के लोगों को उन्होंने जागरूक किया। झारखंडी युवाओं को आज इनसे क्या सीख लेनी चाहिए? सबसे पहले तो एक चीज़ सबसे अहम सीख ये होता है कि झारखंडी युवाओं को कम से कम लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आप कानून को जब तक समझिएगा नहीं, तब तक अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं पाइएगा। और विनोद